खबर विदिशा मध्य प्रदेश से है। गंज बसोदा नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले दो परिवारों ने कलेक्टर पहुंचकर कलेक्टर से कुटीर आउटर न होना और कुटीर की तीसरी किस्त जारी करने के लिए रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया है। बसोदा सीआई अनिता वाई का आरोप है कि मकान बनकर तैयार हो चुका है, प्लास्टर भी हो चुका है, लेकिन नगर पालिका ने बने हुए भवन की फोटो खींचकर तीसरी किस्त डालने वाले फोटो खींचने वाले कंप्यूटर पर चढ़ाकर एवज में रुपए मांग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बता दें कि गंज बसोदा की ओर से युवक महाराज सिंह का आरोप है कि आसपास के अन्य लोगों की कुटीर आवंटित हो गई है और कुटीर देने के एवज में नगर पालिका गंज बसोदा के कर्मचारियों ने 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी है। प्राइम डे के न्यूज चैनल के लिए धर्मेंद्र गुप्ता, विदिशा, मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका दादा? महाराज सिंह यादव। कहाँ से आए हो? गंज बसोदा। क्या मामला आज आप जिला मुख्यालय पर आए? कुटी नहीं आ रही सर। क्यों नहीं आ रही, क्या बात है? कुटी दे नहीं, नगर पालिका के आदमी पैसा मांगते हैं 20,000 रुपए। अब हम गरीब आदमी है, टपरियों बुला रही पैसा है। कौन मांगता है पैसा? पैसा मांगते हैं जी नगर पालिका में अधिकारी। कहाँ का मामला है ये? गंज बसोदा। तो आपने लोकल में शिकायत नहीं की? सब कर सब कर ले दो बजे जहाँ फैर गया सब फार्म ब्लैक हो रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं। कहाँ दे आ जाएंगे आ जाएंगे। 4 साल हो गए सर। 4 साल से? 4 साल से अभी तक कोई सुनवा नहीं। आप किसके पास आए? कलेक्टर साहब का। हम आ तो अनीता नाम से आई गंज बसोदा से। क्या मामला था? हमारी कागज है, बाग पैसा नहीं डल रहे हो प्लस्तर के। हाँ, पैसा मांगा था फोटो वाली के, थे पैसा दे जब फोटो खींचे जब कंप्यूटर पर चढ़े हैं जब। कौन आते थे पैसे मांगने? नगर पालिका के फोटो वाले। क्या कहते हैं? पैसा दे जब फोटो खींचे फिर वो तो कंप्यूटर वाला मांगा था। कितने पैसे नहीं आए अभी आप? कितने बचे हुए? अभी आखिरी किस्त रहेगा ये तीसरी किस्त नहीं डाल रहा है, सबके डाल रहा है, प्लस्तर भी करवा ला साहब। आपने एसडीएम क्या शिकायत नहीं की? करके गए थे कलेक्टर साहब के थे। हाँ, क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ, अभी भगा दो तो कल गए थे भगा दो हमें, कह लगे जाओ तो चढ़ जाएगा कंप्यूटर पर, ऐसे परेशान कर रहा है साहब।